फैमिली कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग भी अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पीहू की तबीयत ठीक नहीं हुई जिसकी वजह से वो आज स्कूल भी नहीं गई। और चलो पहले दर्शन कर लो आप लोग। आप लोग शिव भगवान का दर्शन करो, लल्ला का दर्शन करो एंड आरती ले लो मेरा, ठीक है? एंड मैं चलती हूँ पीहू के रूम में। पीहू सो रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं जिसकी वजह से इनको स्कूल में नहीं जाने दी। मेडिसिन खाया। सर में दर्द हो रहा है क्या तुम्हारा? लगता है आँख चेक कराना पड़ेगा। आँख में कुछ प्रॉब्लम होता है तभी सर में इतना दर्द होता है। तुम्हारे हमेशा सर में दर्द रहता है। दवाई खाए अपना? मेडिसिन खाने, क्योंकि मेरा भी पूजा हो गया तो मैं भी मेडिसिन खा लेती हूँ। और आज छुट्टी है तो सभी घर में आई हैं। और आज मैं बना रही हूँ छोले चावल। खाना है ना? ठीक हो जाएगा, तब तक तबीयत ठीक हो जाएगी। दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा। चलो इनका सर दबा देती हूँ, इसके सर में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। टोपी लगा के रखो, तुमको ना कान में हवा चला गया है। यहाँ पे ना एक्चुअली ना सूखी ठंडी पड़ती है। वैसी ठंडी स्वेटर वाली ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन सूखी ठंडी पड़ती है। चलती हूँ मैं घर और की सफाई करती हूँ। घर की सफाई करूँगी तभी तो काम कंप्लीट होगा। टाइम भी हो गया, छुट्टी था तो थोड़ा लेट भी उठे। अभी पूजा खत्म हुआ, पहले तो दवाई खाऊंगी, मेडिसिन पहले मेरा खाना है। ठीक लग रहा है? बनाए हैं छोले। छोले आज के बहुत यम्मी बने हैं। एंड राइस, छोले एंड राइस। गाइस मेरा काम खत्म हो गया, मतलब घर का काम कंप्लीट हो गया। अदरवाइज तो ऑफिशियल वर्क हमेशा थोड़ा बहुत रहता ही, तो वही है। और नवीन जा चुके हैं सीनियर, और देखते हैं कब तक आते हैं। सैटरडे संडे उनके लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। लेकिन बट ठीक है, एक चीज़ से हम फ्री रहते हैं कि हाँ ऑफिशियल वर्क मतलब जो भी हम करते हैं वो नहीं है हमारे पास। और जस्ट अभी मेरी सिस्टर का पार्सल भी आ गया है, जो पीयू के लिए पार्सल मेरी बहन ने भेजा था वो भी आ गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। दाने से हो गए मेरे। तबीयत कैसी है? खाना निकालो, छोले चावल कब खाओगे? सुबह से कल रात को भी नहीं खाया, अभी भी नहीं खाया। पार्सल पीयू ओपन कर। तो ये रहा, मेरी सिस्टर ने ये फ्रॉक भेजा उसके लिए। तो आई थिंक सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये ट्राई कर लेती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ट्राई कर लो एक बार। हाँ किया, ये छोटा आ गया है, तो मैं अपनी सिस्टर को जा रही हूँ कॉल करने और बताने कि छोटा आ गया, सो करेगी नहीं कर रही है। तो फिर ये पीहू खाना खाने लगी। नवीन ने खाना ला के इसके दिया, खाने लगे। क्या सही लग रहा है अभी? खा के मेडिसिन खा लेना। शाम को आलू पराठे खाओगे? ठीक हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगा। तबीयत कुछ नहीं। घी किसमें से निकाले हो? वो गर्म आया हो, एक ही तो घी दिख रहा था, वो कौन सा? प्लास्टिक वाला। हाँ वही वही, दूसरा तो कोई घी दिख ही नहीं रहा। नहीं वही हो जाएगा। तो इधर नवीन की कॉल आ गई और 4 o'clock हो, नहीं 4:35 हो रहे, 4:35 हो रहे। तभी इनको थोड़ा सा अच्छा लगा तो बैठी है खाना खाने। बुखार है क्या अभी भी? बुखार नहीं है। बुखार तो थोड़ी थी, तो शरीर गर्म है, थोड़ा थोड़ा है। हाँ। है बुखार है। सुनिए तुम्हारे बोला मत जाओ, गई होती तो और बीमार हो। अच्छा स्कूल नहीं गई तुम? 5 बजे से वो सचिन को फोन करना, मैं दिमाग में था यार ये कॉल करना है, कॉल करना है। यहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है, और यहाँ पे धूप जाती है 6 o'clock पे। हाँ 6 o'clock, 6:30 पे जाती है, थोड़ा सा लेट जाता है महाराष्ट्र में। और खोल दो भाई, आज के ब्लॉगिंग में यही है चल रहा है। पीयू की तबीयत ख़राब हुई और कुछ खास हुआ नहीं, तो बस यही चल रहा है। ठीक बना ना, ये है छोला, थोड़ा पड़ा
थोड़ा सा होगा। तो मैं आ गई सब्जी लेके, सब्जी डालने गई थी। और ये आई थिंक ये तुमने, ये मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम खाऊंगी। है क्या ये? ये है ग्रीन चने, इसको यहाँ पे हरभरा बोलते हैं। ये तो पेड़ से एकदम उखाड़ के है। गांव में पूछता है, बड़े खाते हैं। तुम पूरा झाड़ पे है, पूरा झाड़ पे है। इसको लोग गांव पे ऐसा इसमें आग लगा देते हैं और फिर खाते हैं। अच्छा, मतलब भून के? हाँ, आग में भी फेंक देते हैं। भून के खाते हैं। लोग कच्चा खाते हैं, बहुत लोग ऐसे भून के खाते हैं। इसको आग में फेंक देते हैं। इसको कोहरा जलाते हैं, उसको फेंक देते हैं, जल जाता है। वाह, एक काम से दो निशान है। फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम खा रही हूं। आपने बहुत खाया, दांत बड़ा खाता होगा। एक ही और एक आलू के चक्कर में बेचारे डैड ने बहुत मार खाई होगी टीचरों से। रेसिपी है वो, जो कि है 60 रुपया के जी। एंड ये है कीनू, ये है 70 रुपया। एप्पल ले लो, एप्पल ले लो। एप्पल है 140 kg, मतलब 140 रुपीज के जी। महंगी चीज है। नहीं, यहाँ पे एप्पल महंगा ही रहता है। मम्मी बोले थे अपने साइड में एप्पल नहीं, मुझे नहीं खाना ना, डॉक्टर ने मना किया है। सब्जी लेकर आई हूँ, सब्जी लेकर आ गई। और ये देख रहे हो ना, ये मैं नाक बांध के गई थी, क्योंकि मेरे नाक में जब हवा लगती है ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, सो इसलिए मैं नाक बांध के गई थी। ठंड लगने लगे, लेकिन नाक को हमेशा सेफ्टी रहती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नाक में प्रॉब्लम होती है। सो मैं चलिए अभी आलू पराठा बनाने, बिकॉज टाइम हो गया 7 o'clock, तो हम जल्दी जल्दी खाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो तुमने कुछ तुम किया है धुंधला ऐसा, पीछे का जो ब्लर वाला सीन है वो ऐसे पता नहीं क्यों आता है। तुमने उसे करके रखा, सेटिंग करके रखा है ना मैंने। तो तुम्हारा नहीं है, दूसरा कैमरा में कोई आएगा तो उसको उसको देखो, जैसे मैं आ गया तो तुम्हारे को ब्लर कर देगा। ओके, कोई ये चीज एक ही स्कैन करता है ना, ये सेटिंग में कुछ कैमरे में होगा। आलू पराठे के लिए अभी तो मिलने हैं। क्या कर रही हो मैडम? आपका पूरा चॉकलेट खत्म हो गया। ऊपर क्या है ना मैंने ये ग्रीन वाला देखो तो, उसने रखा है ग्रीन के पास। अच्छा, वो अलग रख लिया क्या? पता नहीं, मैं तो ऐसे देखूं। फाइनली मैंने आटा भून लिया। और मैं और भी काम है, काम भी कंप्लीट कर। खाना बन गया, दही छोले दिल के थे और एंड पराठे। तो मैं चलती हूँ खाने और टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना मेरे आलू पराठे और छोले कैसे बने हैं।